में 19 मार्च से भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें भागवत प्रवक्ता राम भद्राचार्य लोगों को भागवत कथा सुनाएंगे। 19 मार्च से प्रसिद्ध भागवताचार्य राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा मथुरा में होगी। कई हस्तियां कथा में शामिल होंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा 19 मार्च से 25 मार्च तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में प्रसिद्ध जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा कथाई करा जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का कहना है कि राम भद्राचार्य जी द्वारा ज्ञान मिलेगा, उसको सभी श्रोताओं को बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से सुनाएंगे और इस कथा को देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को सम्मान सहित न्योता दिया जाएगा। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भागवत कथा का आयोजन अब मथुरा में 19 मार्च से 25 मार्च तक होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की कथा का बुकिंग कर दिया गया है और उसमें देश विदेश से सभी कृष्ण भक्त उसमें भाग लेंगे। राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि यदि मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं न्यायालय में भी जन्मभूमि के लिए गवाही देने को तैयार हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि मैं 19 मार्च से 25 मार्च तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की आजादी के लिए कथा करूंगा। यह भागवत कथा मार्च के महीने में होगी। समय का निर्धारण अभी महाराज जी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन तिथि और तारीख निश्चित कर दी गई है। मथुरा में यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने महाराज जी को जो थोड़ी बहुत राशि होती है उसको महाराज जी को भेंट करके और कथा की तिथि ले ली है, उसकी रसीद प्राप्त कर ली है। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि मथुरा के सभी सनातनी हिंदुओं को और ब्रजभूमि भारतवर्ष के सभी सनातनी हिंदुओं को मैं जगाऊंगा और भागवत कथा के माध्यम से मंदिर की आजादी के लिए जो भी प्रयास होगा मैं करूंगा। यदि न्यायालय मुझे गवाही देने के लिए बुलाएगी तो मैं न्यायालय में भी साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर गवाही देने को तैयार हूं। श्री राम भद्राचार्य महाराज जी द्वारा विशेष रूप से सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिया गया और कहा कि भविष्य में कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो हम भगवान श्री कृष्ण के लिए, मंदिर के लिए तैयार हैं। राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा इस समय अयोध्या में भी चल रही है। देश विदेश से सभी प्रतिष्ठित लोग उसमें कथा में आ रहे हैं। महाराज जी ने कहा है कि मार्च में होने वाली इस कथा में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें उपस्थित होंगी, सभी का मान सम्मान किया जाएगा। उन्होंने मथुरा वासियों से भी अपील की है इस कथा में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें और भगवान श्री कृष्ण मंदिर के लिए जो लड़ाई चल रही है इस लड़ाई में सभी मिलकर साथ निभाएं, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह लड़ाई सभी सनातनी हिंदुओं की है। इसलिए महाराज जी ने सभी से आग्रह किया है कि इस लड़ाई में सभी मिलकर एक दूसरे का साथ निभाएं, क्योंकि मुगल शासकों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो अवैध कब्जा किया था वो न्यायालय के द्वारा कलम की ताकत से, सबूतों के आधार पर जल्द से जल्द हटेगा, ऐसी हम सभी सनातन हिंदुओं को आशा है।